हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन में टच टाइम कैसे ऑफ करेंगे। तो फिर बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको ऑप्शन देखने में जाता है फ़ोन में सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में इस पर कर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में साउंड, तो आपको साउंड पे क्लिक कर लेना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको काफ़ी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा फोन में रिंगटोन, तो आपको यहाँ पर रिंगटोन के नोटिफिकेशन काफ़ी ऑप्शन देखने को, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा हैप्टिस एप नोटिस, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टाइप एड नोटिस साउंड, लॉक स्क्रीन साउंड, स्क्रीन शॉट साउंड, डिलीटेड साउंड, फिंगर पैटर्न साउंड। तो जैसे कि आपको अपने फ़ोन में टच साउंड ऑफ करना है तो आप यहाँ से टच साउंड को ऑप्शन पे क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। तो हमारे फ़ोन में जो है मैं टच साउंड ऑफ हो चुका है। अगर आपके फ़ोन में टच साउंड ऑफ करेंगे, अगर फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।